दोस्तों, जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, आरबीआई ने मॉरेटोरियम की अवधि 3 माह और बढ़ा दी है। अब इसको बढ़ाकर हाल फिलहाल में 31 अगस्त 2020 तक ये मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ा दी गई है। दोस्तों, क्या है ये मॉरेटोरियम, ये अवधि बढ़ाई है, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा या वाकई में हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तबके को, किस वर्ग के लोगों को इसका बेनिफिट होगा। इस मॉरेटोरियम के अंदर जो ये लोन अवधि बढ़ाई गई है, इसमें किस तरह के लोन्स के लिए बेनिफिट मिलेगा, सारा इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होगा इस मॉरेटोरियम अवधि को बढ़ाने से फायदा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 3 माह की मॉरेटोरियम अवधि बढ़ा दी गई है। ये मॉरेटोरियम अवधि टर्म लोन्स यानी कि होम लोन या ऑटो लोन जिसने भी लिया हुआ है उसके लिए बढ़ाई गई है। और इसके अंदर यानी कि इस मॉरेटोरियम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोगों को डाउट होगा। मॉरेटोरियम इज बेसिकली ए छूट जो एक निश्चित समय अवधि के लिए दी गई है। इस समय के लिए ये छूट दी गई है, पहले 31 मई तक थी, अब इसको 31 अगस्त तक, यानी कि ये जो 6 महीने का पीरियड है, इस अवधि के दौरान आपसे कोई भी किश्त नहीं ली जाएगी, लोन की पेमेंट नहीं ली जाएगी, उस पर किसी भी तरह का आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वसूला नहीं जाएगा एक्सेप्ट द इंटरेस्ट, उसकी हम आगे बात करेंगे। यानी कि आपसे इस 6 महीने की अभी कोई किस्त नहीं ली जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये पैसा आपसे कभी लिया ही नहीं जाएगा। ये मॉरेटोरियम, ये छूट, ये मोहलत इस 6 महीने के लिए हमें मिली है। हो सकता है लॉकडाउन में किसी न किसी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, और उन सब के लिए आरबीआई ने ये मोहलत दी है। लोन मॉरेटोरियम का मतलब ये कतई नहीं है कि ईएमआई माफ़ हो जाएगी। ईएमआई माफ़ होना लोन मॉरेटोरियम का मतलब नहीं है। इस अवधि का जिसमें मॉरेटोरियम हमें दिया गया है, जो भी ब्याज बनेगा वो लोन मॉरेटोरियम की अवधि खत्म होने के बाद वो ब्याज हमसे ज़रूर लिया जाएगा। हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या विकल्प बचते हैं कि हमें ये लोन मॉरेटोरियम की अवधि के तहत जो छूट मिली है ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी आ रहा होगा, और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बैंक आपको कुछ विकल्प देता है, बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बैंक आपको मोहलत देता है, विकल्प देता है। विकल्प नंबर एक, आपका बैंक आपसे बोलता है कि आपकी जो भी इस 6 महीने की अवधि के दौरान जो ब्याज बनेगा आपकी ईएमआई का, उस ब्याज का भुगतान आप एक बार में, जैसे ही अवधि खत्म होगी, मान लीजिए 31 अगस्त को ही खत्म होगी, आप एक मुश्त उसका भुगतान कर देंगे और बाकी आपकी लोन्स की पेमेंट आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, जो ईएमआईज हैं वो वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगी। ये एक विकल्प आपको बैंक दे सकता है। सेकंड विकल्प आपको आपका बैंक ये दे सकता है कि आपका जो ब्याज बनेगा, जितनी भी बची हुई आपकी लोन अमाउंट है उसमें ऐड करके उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट के ईएमआई में उसको बांट दिया जाए, इस हिसाब से आपका बैंक आपको सेकंड विकल्प दे सकता है। थर्ड विकल्प आपको बैंक दे सकता है कि लोन की ईएमआई को ना बढ़ाकर, यानी कि ईएमआई के अमाउंट नहीं बढ़ाना, जैसे महीने की मान लीजिए किसी की 10,000 ईएमआई आ रही है और 5 साल का उसका ये लोन का पूरा टेन्योर था, ईएमआई को ना बढ़ाकर ओवरऑल टेन्योर को 5.5 साल का कर दिया जाए, 5 साल 6 महीने का कर दिया जाए, ऐसा भी आपको लोन आपका बैंक आपको विकल्प दे सकता है। ये 3 विकल्प हैं जो मैंने सुझाए हैं, इनमें से हो सकता है आपका बैंक इनमें से कोई भी आपको दे। अब बात आती है चौथे विकल्प की, क्यों ना ये लोन मॉरेटोरियम की फैसिलिटी को अवेल ही ना किया जाए, ना लिया जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप पहले की तरह सामान्य तौर पर जैसे आप लोन की पेमेंट्स मंथली करते थे वैसे आप करते रहें। दोस्तों, क्या ये मॉरेटोरियम सही है या नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यहीं से है कि अगर आपकी आय पर, इनकम पर इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 की महामारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो आप लोन की पेमेंट मंथली करते रहिए, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी आय पर कोई फ़र्क पड़ा है, किसी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं, तो आप इस लोन मॉरेटोरियम का बेनिफिट ले सकते हैं। हर किसी की स्थिति के अनुसार अलग अलग सिचुएशंस बन रही होंगी, उन सिचुएशंस के हिसाब से उसको खुद को डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी ईएमआई को पे करना है या मैं ईएमआई के लिए अभी के लिए मोहलत छूट ले लूं, बाद में उसको पे करूं। लेकिन अल्टीमेटली वो भार हम पे आखिरी में आना ज़रूर है। ये मॉरेटोरियम कहीं ये नहीं कहता कि आपसे ये माफ़ कर दिया जाएगा। मॉरेटोरियम ये कहता है कि अभी के लिए आपको मोहलत दी जा रही है क्योंकि आपके पास अभी हो सकता है पैसे की व्यवस्था ना हो पाए, लेकिन बाद में आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी, तो फैसला सोच समझ कर लें।
आप सभी बड़े ही समझदार हैं, आप सोच समझकर फैसला लें कि बाद में आप एकदम से आपके ऊपर बोझ ना पड़े, और अगर आप अभी पे कर सकते हैं तो ज़रूर आप इस EMI को पे करें। बात आप ध्यान रखें कि इस मोहलत जो ये आपको दी गई है उसकी भी अपनी एक कीमत है, जो आपको कभी ना कभी बाद में तो चुकानी पड़ेगी ही। तो अब वो फैसला आपका है, डिसीजन आपका है, सोच समझ कर फैसला लें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।